हेलो नमस्ते सस्ती गलादा, मैं हूं अनोली आदित्य। आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिक्सिंग की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए आपकी। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना मिक्स निकालते हैं तो आपको मतलब जब आप मिक्स कर चुके हैं तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है कि वो चीज उस मिक्स के अंदर अवेलेबल है या आपने वो चीज अचीव कर ली है नहीं। तो पहली चीज देखो, जो जरूरत होती है कि क्लीन, आप हर एक चीज को क्लीन बना लें। मतलब कहने वाला वोकल है, इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट जितनी भी चीजें यूज हो रही है उसके अंदर आप उनको क्लीन बनाओ। ठीक है, क्लीन बनाने का मतलब होता है कि भाई जो भी नॉइज है, जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज है, वो सब आपको ठीक करनी है। दूसरी चीज आपको करनी है मास्किंग जो हो रही होती है एक दूसरे की, यानी वोकल को अगर कोई सिंथ दबा रही है, कोई पियानो दबा रहा है, कोई भी अलग चीज दबा रही है, तो उस चीज को मास्किंग को हमें दूर करना है। वो हम कर लिए या नहीं करनी, ये हमें चेक करना है। अगर लग रहा है कि हाँ यार वोकल थोड़ी दब रही है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो दब रहा है, तो हमें उसको ठीक करना है मास्किंग करके, ईक्यू वगैरह जो है बाकी सारी चीजें लगा करके, मिड साइड प्रोसेसिंग वगैरह करके। तो ये चीजें हमें देखनी है, इनफ कंप्रेशन है कि नहीं, यानी कि हमारे ट्रैक के अंदर वोकल और जो जितनी भी चीजें चल रही डिफरेंट उनके अंदर इनफ कंप्रेशन है कि नहीं। ये कंप्रेशन थोड़ा सा सुनना शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपको ये धीरे धीरे करके, आपको ऐसे नहीं कि एक बार में आप मिक्स कर रहे हो और आप सारा मिक्स निकल जाएगा। थोड़ा तसल्ली से मिक्स करना है, थोड़ा समय देना है मिक्स को, और कंप्रेशन के ऊपर वर्क करना है, कंप्रेशन को चेक करना है। प्रॉपर कंप्रेशन जब होता है तो लाउडनेस जो है अच्छी निकलती है। अगला पॉइंट यही है, अगला पॉइंट आपको चेक करना है नंबर्स में, भूल गया हूं कितने नंबर का चल रहा है, शायद चौथे या पांचवें होगा, बट नंबर्स को हटाते साइड में आप बस ये चीज ध्यान रखो क्या क्या आपको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको लाउडनेस बनाने के लिए कंप्रेशन को जो है क्रॉस कंफर्म करना है, वापस से चेक करना है कोई चीज ओवर कंप्रेस तो नहीं हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि कोई चीज जो है आपकी जिसमें मतलब कंप्रेशन नहीं डला हो, क्या पता आप उस कंप्रेशन की नीड हो, क्योंकि होता क्या है जब ओवरऑल हेल्दी अमाउंट ऑफ कंप्रेशन जब हम ट्रैक के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे ट्रैक के लाउड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन एक ऐसा चीज है जो जब हम हमारे सॉन्ग के अंदर, हमारे डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो जो मिक्स है उसकी क्वालिटी, और बात करें लाउडनेस, लाउड होने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो बढ़ जाता है। और ओवरऑल जो है ट्रांसलेशन जो होता है ना, मतलब क्या, एक अगर ऐसे समझाऊं मैं आपको, हर एक स्पीकर के ऊपर, हर एक डिवाइस में प्रॉपरली ट्रांसलेट कर पाता है ऑडियो, बढ़िया से जो है उसको सुना सकते हैं, मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो। और सैचुरेशन एक ऐसी चीज है जो आप जिसमें जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं या खुद समझता हूं, वो ये है, सैचुरेशन जब किसी चीज के अंदर जब सैचुरेशन किसी चीज के अंदर होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या किसी पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर हम जब डालते हैं, देखो मेन तरीका तो होता है सैचुरेशन अचीव करने का, जो हमारे आउटपुट गियर्स जो होते हैं हार्डवेयर उनके थ्रू जो सैचुरेशन आती है, बट हम कई एमुलेशन प्लगइन वगैरह ये सब चीज यूज करते हैं जिससे सैचुरेशन जो हमारे ट्रैक के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वो एक कलर होता है, वो एक साउंड होता है पर्टिकुलर, तो जब वो चीज हमारे ट्रैक के अंदर होती है तो जो ओवरऑल जो पर्टिकुलर जिस ट्रैक के अंदर हमने सैचुरेशन लगाई है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट साउंड करता है, और उसके अंदर मेन जो साउंड है जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो चीज बचती है, वो चीजें इनहेंस हो जाती है, अदर जितनी भी चीजें हैं वो सब जो एक तरह से छन जाता है, मतलब कहने का मतलब ट्रैक, अगर मैं एकदम देसी लैंग्वेज में बात करूं तो। ये चीज आपको चेक करनी है, आपको विड्थ चेक करनी है, फिट प्रॉपर है कि नहीं, डेप्थ चेक करनी है, डेप्थ आपको डिफरेंट इफेक्ट्स के और लाउडनेस के उसमें लेवल मैच करके आपको चेक करनी पड़ेगी, ये आपको प्रॉपर है कि नहीं वो चीज चेक करनी है। ट्रैक अमाउंट नंबर जितने होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारे पॉइंट्स जो है, अगर ट्रैक नंबर कम है तो डेप्थ ऑब्वियसली बात है आप चीजों को कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ज्यादा है तो आपको उनको केयरफुली प्लेस करना पड़ेगा, वही अगेन मास्किंग वगैरह वगैरह सारी चीजें। और जो अगर बात करें स्टीरियो इमेजिंग की तो वो आपको प्रॉपरली चेक करनी पड़ेगी। फेज कैंसिलेशन अगर कहीं हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कॉज कर रहे हैं फेज कैंसिलेशन, तो वो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने डिफ चेक, सॉरी आपने डेफ चेक कर ली, आपने विड्थ चेक कर ली, आपने फेस कैंसिलेशन चेक कर ली। ठीक है, कई सारे मीटर्स आते हैं जिनसे आप फेस कैंसिलेशन चेक कर सकते हैं अपनी। और ओवरऑल आप ट्रैक को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, जो एक हमारा होता ही है फोन के ऊपर, एयरफोन के ऊपर, जिनमें आप रेगुलरली अपना म्यूजिक सुनते हो, जिनके अंदर आपकी कानों की ट्यूनिंग हो रखी है बेसिकली, तो आप वहां पे जाके चेक कीजिए और पता करिए कि भाई इस सॉन्ग के जो रेफरेंस हम लेते हैं उससे कंपेयर करके देखो भाई साउंड वाइज इस सॉन्ग में क्या चीज मिसिंग हो रही है, और हमारे सॉन्ग में मतलब सॉरी हमारे सॉन्ग में क्या चीज मिसिंग हो रही है उस सॉन्ग के कंपैरिजन में, बेस कितना आ रहा है, ये सब चीजें, यानी कि हमें बेस साइड चेक करनी है, बेस कितना आ रहा है, कितना का मतलब होता है कैसा साउंड कर रहा है, और बेस में एनर्जी कितनी है, और मिड साइड मतलब मिड की बात करें मिड रेंज के अंदर उसके अंदर एनर्जी कितनी है, उसका जो पंच है उसके डायनेमिक्स किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सॉन्ग डिफरेंट होते हैं, हमारा सॉन्ग अलग होगा, उनका सॉन्ग अलग होगा, जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, बट एक आइडिया मिल जाता है हमें कि भाई कहाँ पे हमें पहुंचाना है। ठीक है, और एक दिमाग के अंदर एक ट्यूनिंग भी होती है कि हाँ हमें इस तरह का कुछ करना है, तो वो सब चेक करना है हमें कि हम पहुंच चुके हैं नहीं पहुंच चुके हैं, क्या कमी रह रही है। ठीक है, ये सब चीजें पता करना, ये सब चीजें हम जब चेक करेंगे तो हमें पता चलने लग जाएगा कि भाई हाँ ये चीज कमी, ये चीज कमी है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो अचीव कर पाओ नहीं कर पाओ, बट अगर आपको अपनी कमियां पता चल रही है तो बहुत बड़ी चीज है। जो मैं अपने केस में करता हूँ, कई चीजें अचीव नहीं कर पाता हूँ मिक्स के अंदर, कई सारे उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वोकल क्वालिटी सही नहीं होगी तो आप कैसे काम करो, तो ये सब चीजें तो एक अलग जो है
पॉइंट्स हैं ये अलग बातें हैं, जब हम हमारे टेक्निकल बेसिक्स को जानते हैं और हम उन सबको अप्लाई कर चुके हैं और अब हम चेक कर रहे हैं फाइनल कि भाई मिक्स के अंदर कितना हेडरूम आपको चेक करना है। ऑब्वियसली बात है हेडरूम चेक करना है, अगर आप चटका दोगे उसको 0 dB तक तो वो चटका हुआ 0 dB तक मास्टरिंग वाला क्या करेगा, ऐसे करके सर पकड़ लेगा भाई ये क्या दे दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगेन देखो अब यहाँ पे कई सारे लोग बोलते हैं 3 dB रखना है, 5 dB रखना है, 6 dB रखना है। तो हेल्दी प्रैक्टिस ये है कि आप 5 to 6 dB रखो, और अगर आप बहुत ज्यादा तूफानी जो है मिक्सर हो, मिक्सिंग इंजीनियर हो, तो आप 3 dB तक जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में उसको टर्न डाउन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन आपका बैलेंस थोड़ा सा जो है, अगर आप दिमाग में सेट करके -5 तक 4 तक -5 मैं अपना एम करता हूँ, अगर वहां तक भी रहो मतलब मिक्स आफ्टर मिक्स, तो वो चीज बेटर है मास्टरिंग के लिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। और एक रफ मास्टर मैं अपने जो मिक्स के ऊपर अप्लाई करके देख लेता हूँ कि फाइनली ये कैसा निकल के आने वाला। और अगेन ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि मास्टरिंग के ऊपर नहीं छोड़ना है हमें, जैसे मैं अपना काम करता हूँ मिक्स के अंदर कोशिश रहती है जितना जितना क्लीन हो जाए, वैसे प्रोडक्शन के अंदर कोशिश रहती है वो, बट मिक्स के अंदर कोशिश रहती है कितना हम इसको बेस्ट बना सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मिक्स के अंदर कोई कमी छोड़नी नहीं है, मतलब हमें हमारे क्लाइंट को या पर्टिकुलर हमें खुद को ये नहीं बोलना पड़े कि भाई ये गाना मास्टर होने वाला है, मतलब ये गाना फाइनल है, मतलब मिक्स के बाद फाइनल है, ये मान के चलना, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, रिवर्ब डिले और जितने भी वेट इफेक्ट्स एंड हमने इफेक्ट्स लगाए हैं उन सबको प्रॉपरली कैलकुलेट करके लगाना है। अगर हम लगा चुके हैं तो हमें चेक करना है कि प्रॉपरली ट्रांसलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, रिवर्ब सुनाई दे रही नहीं, डबल टेक्स कहीं लगाए हमने उस चीज को समझना है कि प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा निकल के, फोन के अंदर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, वोकल अपफ्रंट है या नहीं, ये चीज हमें चेक करनी है मिक्स के अंदर कि वोकल अपफ्रंट है नहीं। मास्टरिंग के ऊपर तो ऑब्वियसली बात हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो वोकल हमारी मेन होती है और जितने भी मेन इंस्ट्रूमेंट है वो आपस में क्लैश तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमें चेक करनी है। अगेन हमारे जितनी भी डिवाइसेज होती हैं कार वगैरह जो भी जहाँ भी हम सुन सकते हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स, हेडफोन्स, डिफरेंट वहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई क्या चीज़ है और समझेंगे कि हमारे ओवरऑल जो है साउंड में क्या कमी रह रही है, ठीक है। कंप्रेशन मिड जो होता है मिड रेंज के अंदर प्रॉपर है नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमारी मोस्टली वोकल लाइक करेगी, ठीक है। बस प्रोसेसिंग एक्यूरेट हो रखी है नहीं हो रखी, प्रॉपरली हो रखी है नहीं हो रखी, ठीक है। और अगेन बात आती है कि हमने जो इफेक्ट्स को प्रॉपरली प्लेस कर रखा है नहीं कर रखा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने डिले रिवर में कहीं थोड़ा बहुत गफला कर रखा है तो ओवरऑल ट्रैक आपका मडी साउंड करेगा और वो वाली बात नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने मिक्स के अंदर चेक करनी है। बहुत सारे पॉइंट्स और भी होते हैं, प्रॉपरली जो है आपका ट्रैक लेबल्ड है नहीं, बैलेंस्ड है सारी चीजें नहीं, ठीक है, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। और देखो बाकी पॉइंट्स लगभग हो चुके हैं, ये सब चीजें मैं अपने मिक्स के अंदर चेक करता हूँ, एक आध पॉइंट इक्का दुक्का इधर उधर हो गया होगा, लेकिन सारी चीजें ये आपको ओवरऑल चेक करनी है।